बठिंडा की, जहां पर गांव त्योना में पंचायत मेंबर जित कौर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी की नाजायज संबंधों के चलते जित सिंह ने इतना खौफनाक कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले मृतक जित सिंह ने अपनी पत्नी को गांव के ही कुछ पुरुष के साथ बात करते हुए फोन पे पकड़ा था, जिसके बाद उसने व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात को लेकर मृतक और उसकी पत्नी को लेकर काफी बार झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद जीत सिंह ने तंग आकर खुदकुशी कर ली और जीवन लीला समाप्त कर ली। तो पंचायत मेंबर ने जो है जीवन लीला समाप्त कर ली है और पत्नी के अवैध संबंध के चलते ये खौफनाक कदम उठाया। तो बठिंडा का ये पूरा मामला है, जहां पर पंचायत मेंबर ने जो है अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने के चलते खुदकुशी करके जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि मृतक ने जो है कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी को फोन पर बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते मृतक ने आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साडे भरा दा जी कई दिनों का झगड़ा चलता सीगा आपदे घरवाली नाल, ते उहदे कोल मोबाइल फड़िया गया सीगा। वो मोबाइल के संबंध में उन्हों का झगड़ा चलता सीगा, मोबाइल उन्हें फड़ के चार बंदियां नूं नां नूं पुछ ले भी कौन बोलदा, तो कौन बोलदा। उहदे कारण उन्हें थाने च वी राउटल खाई उन्हें।